नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है। इस बार संग्राम की वजह सुशांत सिंह राजपूत की मौत या किसी अभिनेता या अभिनेत्री का बयान नहीं है। दो संवैधानिक संस्थाओं में ये छिड़ा है, एक तरफ राज्यपाल हैं और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री। इसकी शुरुआत हुई है कोरोना लॉकडाउन और धार्मिक स्थलों को ना खोलने की वजह से। दरअसल महाराष्ट्र में अभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त नहीं है, उसको टाल रहे हैं बार बार वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उन्होंने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जो बार बार आप टाल रहे हैं, इसके लिए कहीं से दिव्य संदेश मिल रहा है या आप सेकुलर हो गए हैं। फिर वो आगे लिख रहे हैं कि आप तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए गए, आप पंढरपुर में एकादशी का पूजा कर रहे थे, आपका अपना एक हिंदुत्व है, तो अचानक आप सेकुलर हो गए हैं। एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब दिया कि हमारे हिंदुत्व में प्रदेश की राजधानी मुंबई की तुलना पीएफके से करने वालों के लिए हंस करके खुले रूप से स्वागत नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है। और हाँ, हमारे हिंदुत्व के लिए आपके सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से लेटर वार हुआ, सोशल मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों में तूफान मच गया। अब जरा गौर करते हैं कि इसमें गलती कहाँ से हुई, क्योंकि सवाल उधर से ये उठाया जा रहा कि क्या राज्यपाल शपथ में जो बोलते हैं उसको भूल गए हैं और सीएम क्या अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। यदि कायदे से देखें तो राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, वो राष्ट्रपति का स्टेट में प्रतिनिधि होता है, उसी से गवर्न भी होता है। माना ये जाता है बनते या तो पढ़े लिखे विद्वान लोग जो किन्हीं वजहों से डायरेक्ट राजनीति में नहीं आते हैं उनको बनाते हैं, वैसे सामान्य तौर पे जो पार्टी से जुड़े होते हैं और बुजुर्ग हो गए होते हैं उन्हीं को राज्यपाल बनाया जाता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या क्षेत्रीय दल, यही परंपरा चली आ रही है। कहीं कहीं उसी में विद्वानों को भी जगह मिल जाती है, विधिवेताओं को भी जगह मिल जाती है, लेकिन वो रेयर केस में, ब्यूरोक्रेट्स को भी मिल जाती है। भगत सिंह कोश्यारी एक राजनेता है, जब आप राज्यपाल की शपथ लिए तब आप दलगत राजनीति से ऊपर हो गए, वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति हो जाता है, वैसे ही जैसे कि लोकसभा का स्पीकर हो जाता है, वैसे ही जैसे कि उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो जब आप चिट्ठी लिखते हैं या टेलीफोन पे मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे। चूँकि आप दलगत राजनीति से ऊपर हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि जो आपने शपथ ली हो उसकी भावना को चोट लगती हो। तो भगत सिंह कोश्यारी ने जो हिंदुत्व का मसला उठाया या सेकुलरिज्म का जो मसला उठाया, उन्हें वो नहीं उठाना चाहिए था। उन्हें सीधे सीधे ये कहना चाहिए था कि आप बार बार धार्मिक स्थलों को खोलने का के डिसीजन को क्यों टाल रहे हैं, आप इस पे जो है विचार कीजिए। तो एक तो भगत सिंह कोश्यारी ने जो है शपथ में जो कुछ बोला जाता है, संवैधानिक जो मान्यता है, जो तथ्य हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसका उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे ने भी वही गलती की है, उसी भाषा में जवाब दिया टिट फॉर टैट कि हमें आपके हमारे हिंदुत्व को आपके सर्टिफिकेशन, आपके प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। ये भी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक रूप से और प्रोटोकॉल के हिसाब से आपसे ऊपर है। यदि राज्यपाल ने गलती की तो क्या मुख्यमंत्री भी वही गलती करेगा, या मुख्यमंत्री ने गलती की तो क्या राज्यपाल भी वही गलती करेगा? दूसरी बात, कंगना रनौत ने यदि ये सवाल उठाया, अब पीओके से मुंबई की तुलना कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि राज्यपाल नहीं मिलेगा। राज्यपाल किसी से मिल सकता है, किसी का दुखड़ा सुन सकता है। उनका घर गया, उनका ऑफिस गिराया गया था, यदि वो राज्यपाल से शिकायत कर रहे हैं तो राज्यपाल सुनने के लिए ही वहाँ पर बैठे हुए हैं, केंद्र के प्रतिनिधि हैं। जब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब वो वहाँ पे जाकर के न्याय की गुहार करेंगी। तो दरअसल गलती दोनों तरफ से हुई है और इस पे बहस होनी चाहिए, विचार होना चाहिए,
कि क्या राज्यपाल की सीमाएं क्या है और मुख्यमंत्री की सीमाएं क्या है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।